कर्नाटक के मैसूर में रोड शो के दौरान शाह ने कहा, कांग्रेस आज भी तुष्टिकरण की राजनीति करती है। कांग्रेस सरकार ने जो 4% मुस्लिम रिजर्वेशन किया था, भाजपा ने वह खत्म कर दिया। इससे पहले शाह ने श्री चामुंडेश्वरी देवी मंदिर में पूजा की। वह रविवार से 3 दिन के कर्नाटक दौरे पर हैं। वह रविवार रात बेंगलुरु पहुँचे थे। पूजा के बाद वह हेलीकॉप्टर से मैसूर चामार राजनगर जिले के गुंडलुपे पहुँचे। उन्होंने रोड में कहा कि भाजपा ने कर्नाटक में लियांगत ओबीसी एससी एसटी को बचाने का काम किया है। कांग्रेस अध्यक्ष कहते हैं कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो मुस्लिम आरक्षण फिर से लाएंगे। कांग्रेस अपनी तुष्टिकरण की राजनीति के लिए मोदी जी के विकास की राजनीति का सहारा ले रहा है। शाह दोपहर 3 बजे सकलेशपुर पहुंचे। वहां भी उन्होंने एक रोड शो किया। वहां से वह मैसूर के लिए निकल गए। मैसूर वापस आने के बाद शाम को एक विशेष विमान से उत्तरी कर्नाटक के हुबली जाएंगे। वहां वह एक होटल में पार्टी नेताओं के साथ चुनाव कार्यकारी समिति की बैठक में भाग लेंगे और रात्रि विश्राम करेंगे। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।